खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस गंभीर इशु पे बोलने का मौका दिया। मैं दिल्ली का सांसद हूँ और दिल्ली का सांसद होने के नाते पूरे देश में एयर पॉल्यूशन पे जो स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर लगातार हमारे पास कई ऐसी जानकारियां आती हैं जो चिंताजनक हैं, और आपने इस इशू पे इतना बड़ा डिबेट करने का मौका दिया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपसे ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन स्टेट सब्जेक्ट है। जब ये स्टेट सब्जेक्ट है तो क्या ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते कि कोई स्टेट जानबूझ करके इस पे अपने सिर्फ बहानेबाजी करता रहे तो उसको कुछ पनिशमेंट तय किया जाए, उसके लिए कुछ ऐसा कार्रवाई हो जिससे उसको जनता के बीच बताया जा सके कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। जहां तक दिल्ली में दो तीन बातें हम आपको आपकी जानकारी में लाना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी। दिल्ली में एयर पोल्यूशन को, जैसा भी मेरे साथी गौतम गंभीर जी ने कहा, दिल्ली के एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए यहां जो लोकल बॉडीज है उसके पास स्टेट से लगभग 9000 करोड़ के फंड आते हैं जिसको दिल्ली सरकार ने डेलिबरेटली उसको जानबूझ के रोक दिया। हमें, जैसा हमारे साथी ने कहा कि हम स्प्रिंकलर्स मशीन, जो एक गाड़ी चलती है पानी छिड़कता हुआ धूल को मारते हुए, उसको खरीदने के लिए जो फंड दिल्ली गवर्नमेंट के थ्रू आना चाहिए था उसे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लाना पड़ा। हम नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इसके लिए हमें 100 करोड़ का अलग से बजट दिया, और सब जाके हम आज, आप भी, हमारे सभी सांसद साथी कहीं भी देख सकते हैं एक गाड़ी चलती है और वो पानी का छिड़काव करते हुए आगे बढ़ती है। अभी जो दिल्ली में कूड़े का पहाड़ है उस पहाड़ को हटाने के लिए भी जो एमसीडी के फंड्स आने चाहिए थे, जो लोकल बॉडीज है, उसके लिए भी हमें सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाना पड़ा अध्यक्ष जी, और पूरी दिल्ली ट्राई ट्राई कर रही है। एक सब्जेक्ट और मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। हालांकि आज हम सदन में ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का जो एयर पोल्यूशन को दूर करने के लिए जो समय समय पे हमें सहायता दी जा रही है उसी का कारण है कि 125 करोड़ का अलग से बजट हमें दिल्ली में लगल लोकल बॉडीज को मिला, और हम आज इस सदन में कह सकते हैं 1.5 साल में हम दिल्ली के कूड़े के 3 पहाड़ को समाप्त कर देंगे और एयर पोल्यूशन पे बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अंत में एक पॉइंट कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी, हम भी इस बात को मानते हैं, हम भी किसी गांव के ही किसान के बेटे हैं। अगर पराली से किसी को समस्या है तो क्यों ना उस पराली को खरीदने के लिए कोई योजना स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हम भी, हमारे कई साथियों से सहमत हैं क्योंकि कोई किसान शौक से पराली नहीं जलाता, लेकिन हमारे दिल्ली में पोल्यूशन से बचने के लिए जो ऐड किया गया उसका 200 करोड़ बजट है और मात्र 50 करोड़ में हम एनसीआर की पराली खरीद सकते थे, जो हमारे दिल्ली की सरकार ने नहीं किया। इस पर भी कुछ न कुछ यहाँ से निर्देश जाना चाहिए। इस विषय को उठाने के लिए आपने हमें मौका दिया, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको।